नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चपटे और आज हम देखेंगे संज्ञा और संज्ञा के भेद। शब्दों के मुख्य दो भेद है, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, अवस्था, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। विश्व में प्रत्येक वस्तु को नाम दिया गया है, फिर वह वस्तु दिखाई देने वाली हो या न दिखाई देने वाली हो, सच्ची हो या काल्पनिक हो। संज्ञा के उदाहरण देखिए, जैसे व्यक्ति के नाम राम, लक्ष्मण, लड़का, लड़की। प्राणी के नाम गाय, बिल्ली, सिंह, तोता। वस्तु के नाम पुस्तक, लकड़ी, चाय, कलम। जाति के नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। स्थान के नाम घर, गांव, बाजार, दिल्ली। भाव के नाम सुख, हंसी, क्रोध, वीरता। अवस्था के नाम शैशव, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। समूह के नाम दल, भीड़, सभा, झुंड। इनके अलावा फलों के, फूलों के, अनाजों के, खाद्य पदार्थों के, नदियों के, पर्वतों के, गुणों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेद देखेंगे। संज्ञा के मुख्य तीन भेद हैं, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो राम, कृष्ण, नरेंद्र, मोहनदास आदि। विशेष स्थान कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, मुंबई, तिरुपति, आनंद भवन। विशेष वस्तु कौन से हैं? रामायण, हॉकी, टाटा चाय, हीरो गाड़ी आदि। इसके साथ ही नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, रेलगाड़ियों के नाम, सड़कों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, दिनों महीनों के नाम, त्योहारों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। संक्षेप में, किसी वस्तु या व्यक्ति का जो नाम रखा जाता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण पदार्थ कौन कौन से? उसमें प्राणी, स्थान, वस्तु आदि। जैसे प्राणी कौन कौन से है? लड़का, लड़की, गाय, घोड़ा, चूहा। स्थान कौन कौन से है? गांव, शहर, नदी, पर्वत, सड़क। वस्तुएं कौन कौन सी है? तो पुस्तक, अखबार, सब्जी, खिड़की आदि। यहां पर एक बात याद रखिए, अगर आपको लड़का शब्द कहा जाए तो लड़का यह शब्द जातिवाचक है। और लड़के के नाम कौन कौन से? फिर राम, श्याम, यह शब्द
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का पहला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी धातु, द्रव्य, अनाज, खाद्य पदार्थ, रत्न आदि का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को ही पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम सोना, चांदी, पीतल, लोहा। द्रव्य पदार्थों के नाम पानी, दूध, शरबत, तेल। अनाजों के नाम गेहूं, चावल, बाजरा, मटर। खाद्य पदार्थों के नाम फल, रोटी, मिठाई, लड्डू। रत्नों के नाम हीरा, मोती, नीलम, पन्ना। दोस्तों, हमें पता है कि द्रव्यवाचक पदार्थ की गणना लीटर में होती है और दूसरे पदार्थ की गणना किलो में होती है। तो जो पदार्थ की गणना हमें करते आती है वह द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा को ही समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह देखो, दल, सभा, मेला, परिवार। प्राणियों का समूह झुंड, रेवड़। वस्तुओं का समूह ढेर, राशि, गड्डी, बंडल। अब हम संज्ञा का तीसरा भेद देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण कौन कौन से है तो साहस, वीरता, कुशलता, भलाई, अच्छाई। भाव दया, क्रोध, ममता, प्रेम, अहिंसा। दशा बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी, गरीबी। यह सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा को किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप में कोई अस्तित्व नहीं है। भाववाचक संज्ञा में से हमें विशिष्ट गुण या भाव का बोध होता है। अब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि आखिर भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं? भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से बनती है। भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए उनको उचित प्रत्यय लगाए जाते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञाओं से किस तरह भाववाचक संज्ञाएं बनती है देखिए। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, उसमें जातिवाचक संज्ञा प्रत्यय और उससे बनाई गई भाववाचक संज्ञा दी गई है। सबसे पहले देखो मित्र। मित्र इस जातिवाचक संज्ञा को ता यह प्रत्यय लगाकर मित्रता यह भाववाचक संज्ञा बनी है। दूसरा उदाहरण देखिए चित्रकार। चित्रकार इस संज्ञा को ई यह प्रत्यय लगाकर चित्रकारी यह भाववाचक नाम बना है। देव इस जातिवाचक संज्ञा को त्व यह प्रत्यय लगाकर देवत्व यह भाववाचक संज्ञा बनी है। बच्चा इस संज्ञा को पन यह प्रत्यय लगाकर बचपन यह भाववाचक संज्ञा बनी है। हैवान
इस जातिवाचक संज्ञा को इयत यह प्रत्यय लगाकर हैवानियत यह भाववाचक संज्ञा बनी है। अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस तरह बनती है यह हम देखेंगे। पहला सर्वनाम है अपना। अपना इस सर्वनाम को पन यह प्रत्यय लगाकर अपनापन यह भाववाचक संज्ञा बनी है। सर्व इस सर्वनाम को स्व यह प्रत्यय लगाकर सर्वस्व यह भाववाचक संज्ञा बनी है। मम इस सर्वनाम को ता यह प्रत्यय लगाकर ममता यह भाववाचक संज्ञा बनी है। निज इस सर्वनाम को त्व यह प्रत्यय लगाकर निजत्व यह भाववाचक संज्ञा बनी है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसी बनती है देखिए। पहला विशेषण है सुंदर। सुंदर इस विशेषण को ता यह प्रत्यय लगाकर सुंदरता यह भाववाचक संज्ञा बनी है। उसके बाद में ऊंचा इस विशेषण को आई यह प्रत्यय लगाकर ऊंचाई यह भाववाचक संज्ञा बनी है। उन्नत इस शब्द को ई यह प्रत्यय लगाकर उन्नति यह भाववाचक संज्ञा बनी है। गुलाम इस विशेषण को ई यह प्रत्यय लगाकर गुलामी यह भाववाचक संज्ञा बनी है। गंदा इस विशेषण को गी यह प्रत्यय लगाकर गंदगी यह भाववाचक संज्ञा बनी है। मीठा इस विशेषण को आस यह प्रत्यय लगाकर मिठास यह भाववाचक संज्ञा बनी है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस तरह बनती है देखिए। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते समय कुछ शब्दों का लोप होता है। पहली क्रिया है घबराना। घबराना इस क्रिया में हट यह प्रत्यय लगाकर घबराहट यह भाववाचक संज्ञा बनती है। बनाना। बनाना इस क्रिया में वट यह प्रत्यय लगाकर बनावट यह भाववाचक संज्ञा बनती है। पढ़ना इस क्रिया में आई यह प्रत्यय लगाकर पढ़ाई यह भाववाचक संज्ञा बनी है। बहना इस क्रिया में आव यह प्रत्यय लगाकर बहाव यह भाववाचक संज्ञा बनी है। इन चारों शब्दों में ना इस शब्दों का लोप हुआ है। लिखना इस शब्द में ना यह शब्द का लोप होकर लेख यह भाववाचक संज्ञा बनी है। जीतना इस क्रिया में अंत्य ना का लोप होकर जीत यह भाववाचक संज्ञा बनी है। धन्यवाद।